अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज का डी चौक पे धरना एहतजाज। डी चौक को मुकम्मल सील किया गया और पिंडी और इस्लामाबाद का आपस में रास्ता भी ख़त्म हुआ। अलर्ट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए वो जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की जानिब से। डॉक्टर शहबाज़ गिल ने ट्वीट करके तमाम को बताया और उन्होंने बड़ी अच्छा अलर्ट दिया है। अब समझने वाले समझेंगे, आप देखेंगे क्या समझते हैं। उन्होंने कहा कि आपने भरपूर शिरकत करनी है आज के एहतजाज में, कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना है, जैसे स्प्रे पेंट से गंदे जुमले बिल्कुल भी नहीं लिखने। ठीक है जी, ये वही होता है जो बच्चे को मना कर रहे होते हैं ना कि बच्चा अंकल आ गए आपने इसको कुछ भी नहीं बोलना, और वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, आपने गंदे जुमले बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं। पुलिस की गाड़ियों को पंचर भी नहीं करना और उनके टायरों से हवा तो बिल्कुल भी नहीं निकालनी आपने। अच्छा, पुरमन रहते हुए एहतजाज करना है और गुलेल का इस्तेमाल सख्ती से मना है, क्योंकि पुलिस वाले और रेंजर वाले हमारे भाई हैं। बकौल शहबाज गुल के, आप आएँ और तस्बियाँ हाथों में लेके आएँ और अपने साथ जायनमाज भी लेके आएँ, वहाँ पर बैठें और आराम से नमाज पढ़ें, तस्बीह करें, जिक्र करें और हुकूमत को दुआएं देते हुए वापस चले जाएं। नाज़रीन, ऐसा नहीं है। नीचे अगर कमेंट बॉक्स में चले जाएं तो सब ने समझा कि शहबाज़ गिल क्या कहना चाह रहे थे। अब इसको किस तरफ लेके जाया जा सकता है, ये आज की वीडियोस में आपको नज़र आएगा। सोशल मीडिया पे इस वक्त इंटरनेट की ख़राबी चल रही है, इंटरनेट पे काफ़ी जो है ब्रेकर्स लगाए गए, इंटरनेट काफ़ी मुतासर हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वीडियोज़ आती हैं आपको अपडेट देने के, आज के डी चौक के इस्लामाबाद धरने में क्या कुछ होता रहा। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।